उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। गाइज, आज के जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं YT स्टूडियो ऐप और क्रोम ब्राउज़र पे। आप अगर YT स्टूडियो ऐप नहीं खोल पा रहे हो, वो डायरेक्ट चला जाएगा। अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे खोलते हो तो चला जाता है YT स्टूडियो ऐप पर, जबकि YT स्टूडियो ऐप पर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि नहीं शो करते हैं और नहीं मिलते हैं हमें, जो हमें क्रोम ब्राउज़र के YT स्टूडियो ऐप पर मिल जाते हैं। ब्राउज़र पे जो हम खोलते हैं उसमें ज़्यादा फंक्शंस मिल जाते हैं और YT स्टूडियो ऐप पर थोड़े कम मिलते हैं। हमारे काफ़ी व्यूवर्स ने ये कमेंट में लिखा भी है कि सर, इस पर एक वीडियो बना दो। तो फ्रेंड्स, मैंने भी सोचा कि एक वीडियो इस पर क्यों ना बना दिया जाए, ताकि हमारे व्यूवर्स को हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। पहला टॉपिक कि YT स्टूडियो ऐप पर थंबनेल कैसे लगाते हैं, और वीडियो जब हम डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग थंबनेल जब अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ से होता नहीं है जल्दी। और इससे काफ़ी यूट्यूबर्स जो नए हमारे यूजर्स हैं और काफ़ी जो नए फ्रेंड्स हैं उनको परेशानी हो रही है इस चीज़ पे। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दो सॉल्यूशन देने वाले हैं। पहला कि आप थंबनेल कैसे अपलोड करोगे अपने वीडियो पे, और दूसरा कि अगर हम क्रोम ब्राउज़र पे अपना स्टूडियो खोलते हैं और क्रोम ब्राउज़र पे जब खोल के डैशबोर्ड खुलता है, वहाँ से हम YT स्टूडियो में जाते हैं, तो वो YT स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र पे न खुल के वो सीधा YT स्टूडियो ऐप पर खुल जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये क्या नया प्रॉब्लम है? तो इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहिए, वीडियो पर बने रहिए, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आखिरी तक नहीं देखेंगे तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप कमेंट करोगे सर मेरा नहीं हो रहा है। इसका एक ही समाधान है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको दोनों चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे YT स्टूडियो ऐप पर आपको जाना है, और कैसे अपने वीडियो और थंबनेल कैसे अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं, और फ्रेंड्स हम इसमें दो पॉइंट कवर करेंगे। पहला पॉइंट कि अगर हमें यूट्यूब के डैशबोर्ड पे अगर जाना है, अपने चैनल के डैशबोर्ड पे जाना है, तो हमें कैसे जाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें थंबनेल कैसे अपलोड करना है, जो कि आजकल हर यूट्यूबर के साथ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है थंबनेल अपलोड करने में। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ हम टाइप कर देते हैं www.youtube.com। सबसे पहले हमने youtube.com सर्च कर दिया, ये हमारा सिंपल यूट्यूब का होम पेज खुल गया। अब यहाँ ऊपर से फ्रेंड्स हम थ्री डॉट्स से यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप साइट, जो अपने पीसी या लैपटॉप की तरह स्क्रीन हो जाएगी, बिल्कुल डेस्कटॉप साइट खुल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद फ्रेंड्स अपने यहाँ ऊपर लोगो पे क्लिक करते हैं। लोगो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये हमें थर्ड नंबर का यूट्यूब स्टूडियो दिख रहा है आपको, हमें इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये क्रोम पे न खुल करके डायरेक्ट YT स्टूडियो के ऐप पे जाके ये खुल रहा है डैशबोर्ड, जो कि यहाँ से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये है कि हम कैसे अपने ब्राउज़र पे यूट्यूब स्टूडियो कैसे खोलें डैशबोर्ड। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक ये है, सबसे पहला तरीका ये, इसका हम सॉल्यूशन बता देते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ से बैक जाते हैं और हम अपने ब्राउज़र पे हमें टाइप करना है https और आपका ये डबल डॉट ऊपर नीचे जो होता है, उसके बाद स्लैश कर दिया हमने। उसके बाद फ्रेंड्स हमें टाइप करना है studio.youtube.com। ये फ्रेंड्स ध्यान से देखना आप, ये आपको टाइप करना है और इसको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद डायरेक्ट आपका ये लेके जाएगा आपके स्टूडियो के डैशबोर्ड पे। ये आप देख सकते हैं जूम करके, ये आपका चैनल का डैशबोर्ड हो गया, ये आप देख सकते हैं।
तो पहला तो पॉइंट हमारा कवर हो गया फ्रेंड्स। अब दूसरा पॉइंट हम कवर करते हैं कि हमें वीडियो अपलोड करने के लिए हमें कैसे थंबनेल लगाना है। क्योंकि थंबनेल लग नहीं पा रहा इस समय, इसलिए हमें थंबनेल कैसे लगाना है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ये हमारा सिलेक्ट फाइल करने के लिए आ गया। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट फाइल कर लेते हैं। सिलेक्ट फाइल पर करने के बाद जहाँ भी आपका फाइल रखा होगा वहाँ से आपको फाइल को उठा लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें उस फाइल को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमें इसमें से ये फाइल हमें, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ अपलोड करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स ये अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जब तक अपलोड हो रहा है तब तक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने यहाँ वीडियो अपलोड कर दिया है और आप देख सकते हैं ये सारा डिटेल हमने फिल कर दिया है। सारा डिटेल फिल करने के बाद ये टाइटल डाल के, डिस्क्रिप्शन डाल के और सब कुछ करके हमने रेडी कर दिया है। और फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपलोड थंबनेल पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ पढ़ने के लिए आ जाता है और कुछ उसके गाइडलाइन दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस पे हमें क्लिक करने पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ताकि हम इसको थंबनेल को अपलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स इसका एक तरीका है, या तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो यहीं पे, और या तो आप पब्लिश करने के बाद भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं पब्लिश कर देता हूँ पहले इसको। ये सब टैग मैंने डाल दिया है, फिलहाल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट किया, उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसमें कार्ड ऐड नहीं करना है अभी, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये हमने नेक्स्ट कर दिया यहाँ से। उसके बाद हम आते हैं ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कॉपीराइट नॉट फाउंड, जो वीडियो आपका सही होगा तो कॉपीराइट फाउंड नहीं करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर से यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं नीचे से। अब आते हैं से हमने इसको पब्लिक कर दिया फ्रेंड्स, और इसको हमने पब्लिश कर दिया। ये वीडियो हमारा पब्लिश हो रहा है फ्रेंड्स, और फाइनली ये पब्लिश हो गया है। और फ्रेंड्स से अब जो है थंबनेल लगाने की, कि हम थंबनेल कैसे लगाएं। तो फ्रेंड्स हम इसको यहीं पे मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने YT स्टूडियो पे। YT स्टूडियो, ये हमने YT स्टूडियो ऐप खोल लिया और फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ अपने वीडियो पे। ये आप देख सकते हैं सामने मेरे, ये पहला वीडियो है जो अभी मैंने अपलोड किया है, सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड्स हमें इस वीडियो पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये आप ऊपर देख सकते हैं ये पेंसिल का निशान है, हमने पेंसिल के निशान पर क्लिक कर दिया। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ अपलोड करना है अपना थंबनेल। तो फ्रेंड्स ये हमने थंबनेल अपलोड करने के लिए इस पेंसिल के निशान पर क्लिक कर दिया, और हमें जहाँ से भी थंबनेल लेना है फ्रेंड्स कस्टम थंबनेल पर क्लिक किया। कस्टम थंबनेल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जहाँ भी फाइल होगी, ये आप देख सकते हैं ये हमने फाइल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ से ऊपर टच कर देना है सिलेक्ट पे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें ऊपर दिख रहा होगा ये कोने में ये सेव कर देना है। ये हमने सेव कर दिया, ये सेव हो रहा है फ्रेंड्स। और अब हम चलते हैं अपने YT स्टूडियो पे ब्राउज़र के, और फ्रेंड्स ये हमारा खुल रहा है स्टूडियो ब्राउज़र पे। ये हमारा ब्राउज़र पे स्टूडियो खुल रहा है फ्रेंड्स, अभी नहीं आया है लेकिन ये थोड़ी देर में आपको दिखने लगेगा फ्रेंड्स। ये हम देख लेते हैं अपने गो टू वीडियोज पर चल के, ये हम वीडियोज पर आ गए हैं फ्रेंड्स। आप फाइनली देख सकते हैं ये थंबनेल हमारा, जो हमने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया था और डाला था, पब्लिश किया था, उस पर फाइनली ये थंबनेल भी आ गया है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना होता है, तभी वीडियो हम पूरा समझ पाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना, और फ्रेंड्सों के साथ अपने शेयर करना। हमें भी सपोर्ट करो, काफ़ी लोगों को आपने सपोर्ट किया, हमें भी सपोर्ट करो ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। क्योंकि अगर स्टिक की एक छड़ी अकेली होती है तो उसको तोड़ना आसान होता है, अगर अगर वही स्टिक का अगर बंडल बना दिया जाए तो उसका तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये आप लोगों के बिना संभव होने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।